रहे और बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथी भाई अशोक अरोड़ा जी, यहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई चौधरी मेवा सिंह जी, चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक चौधरी मान सिंह जी, पवन गर्ग जी, कुलविंदर जी खेरा, हरप्रीत चीमा जी, राजीव गोयल जी और चौधरी शमशेर सिंह मलिक वकील साहब व और भी हमारे बांगड़ साहब वकील साहब उपस्थित, लाडवा हलके के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, बात तो सारी आपने सुनी। आज हमारा यहां इकट्ठा होने का मकसद 21 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके बारे में निवेदन करने आए हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव फैसला करना है आपने कि झूठे वायदे करके जो सरकार आती है उसको भार करना है या झूठे वायदों पर यकीन करना है। आपको याद होगा 10 साल आपने मेरे को मौका दिया प्रदेश की सेवा का, तो हमने पूरे उससे प्रदेश की सेवा की, हर वर्ग की, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, दलित था, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, सबकी, और हर वर्ग संतुष्ट था। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज क्या है, आज 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों को बहुत आशा थी इससे, क्योंकि वायदे बहुत किए थे हर वर्ग से उन्होंने। हमारे को भी आशा थी वे पहली दफा बनी है, चलो देखेंगे, अच्छा काम करेगी तो हम भी अच्छा कह देंगे। 2014 के बाद आज जब 19 आया है तो जो लोगों को आशा थी वो निराशा में बदल चुकी। कोई भी एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। आज किसान है, किसान के क्या हालात है, आज हरियाणा में किसान बर्बादी के कगार पे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, हमारे समय में जीरी का क्या भाव था भाई, याद है? भूल गए? 5,000। और क्या कहने लगे थे, जीरी गई आज में, अब जीरी कहां गई, ब्याज में। और क्यों, हर भाव को देखो आप, गन्ने का भाव जब हमने सरकार संभाली 110 था, 310 तक ले गए, और इस सरकार को 5 साल हो गए, कितने बढ़ाए भाई, 20 रुपए, और लागत कितनी बढ़ा दी, मतलब लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स था, और डीजल पूरे उत्तर भारत ही नहीं हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि सबसे कम वैट था हमारा। आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल सस्ता, तेल सस्ता, और यहां हरियाणा महंगा, दिल्ली से भी महंगा। पहले दिल्ली पंजाब यूपी वाले यहां आकर डलवा के ले जाते थे, लागत बढ़ गई। जो कट्टा 800 रुपए का था हमारे समय में, वो आज कितने का है भाई, 1450 का। और जो एक स्प्रे 200 एकड़ में पड़े, 200 रुपए में पड़े थी एक एकड़ में, अब कितने की पड़ती है। और वो देख, नारायणगढ़ जो है ना शुगर मिल में अपनी पेमेंट के लिए नदी में बैठे हैं लोग, ये स्थिति होगी। नतीजा क्या हुआ, हरियाणा का मेरा किसान, कोई पूरे समस्त किसान वर्ग कर्जे में डूबा बैठा, क्यों, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से गरीब आदमी का, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट के, जिस पर हमने स्कीमें चलाई थी, 100-100 गज के प्लॉट की बात लो, हमने 3,82,000 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, और 5 साल हो गए भाई, उनको मकान बनाने का पैसा भी दिया, 10 लाख टूटी लगाई फ्री में, 200-200 लीटर की टंकी साथ दी। तो आज 5 साल हो गए इनको, पूरा लाडवा हल्का यहां बैठा है। मेरा खुला सवाल है भाई, कोई एक एक प्लॉट दिया इन्हें किसी गांव में,
دیا تو نام اور کام بتا دو اس کا. کوئی ٹنکی تھی بلکہ جو اسکیم تھی دال روٹی کی اس میں بھی گھوٹالہ کر دیا, وہ بھی بند کر دی, بی پی ایل کارڈوں میں بھی گڑبڑ کر دی, اور جو شیڈول کاسٹ کے بچوں کی پڑھائی کے لیے وظیفہ ہم نے شروع کیا تھا ہریانہ میں سب سے پہلے, وہ بھی بند کر دیا, اس میں بھی گھوٹالہ کر دیا. کوئی ایک کام تو بتایا ہی نہیں کیا. وعدے بہت کیے تھے, وعدے کیا تھا کسان سے کہ ہم سوامی ناتھن کا بھاؤ دیں گے. سوامی ناتھن کا بھاؤ تو دور, آج کسان کو ایم ایس پی بھی نہیں ملتی. آج دیکھو تمہاری جیری بھی سستی گئی نا. ابھی راجیو بتا رہا تھا, میں پچھلی بار ٹیلی فون آیا تھا جب کر رہا تھا تو کہتا جی منڈی میں 150-200 روپے پر کوئنٹل سستی جا رہی ہے, ایم ایس پی سے بھی سستی. کپاس جہاں کسان بوتا ہے وہاں 5500 ایم ایس پی ہے, لیکن 4700-4800 میں جا رہی ہے. آپ کوئی بھی دیکھو جہاں سورج مکھی یہاں آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اتنے کوئنٹل لیں گے ایک ایکڑ کا, باجرا ہوگا جہاں وہاں کوئنٹل لیں گے. مطلب کسان کو ایم ایس پی بھی نہیں ملتی, بڑھیا بھاؤ دینے کا تو کیا بات ہے. تو یہ استھتی ہے کسان کی, غریب آدمی کا آپ نے دیکھ لیا, کسان کا دیکھ لیا, کرمچاریوں کو دیکھ لیا. کرمچاری کو کہا کہ ہم پنجاب کا ویتن مان دیں گے. ارے پنجاب کا ویتن مان تو چھوڑو, آج کرمچاری کا جو 7th پے کمیشن میں اس کا ایچ آر اے بنتا ہے 6000 کروڑ, وہ بھی نہیں دیا, جو 7th پے کمیشن بھی پورا لاگو نہیں کیا. تو یہ سرکار ہے کس کی؟ یہ کچھ دھناٹوں کی سرکار ہے, کچھ دھناٹوں کی ہے. ان کا تو قرضہ معاف کر دیا 2,00,000 کروڑ. ارے کسان کا اور غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھو, آپ علاقے میں آپ نے دیکھو, ٹھیک کہا اشوک کروڑا جی نے, یہ سرکار تو بھائی سرکار چلانا چاہتی ہے ڈنڈے سے, گولیوں سے. 66 سے لے کے 2014 تک 80 آدمی نہیں مرے,